हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लीव डिज़ाइन के ऊपर और मैंने अपनी स्लीव की कटिंग की हुई है और स्लीव की कटिंग किस तरह से करते हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है फ्रेंड्स और देखिए मैंने इसकी फ्रंट कार्ड भी अच्छी तरह से अपनी डाली हुई है ये मेरा अंदर की साइड का कपड़ा है अब यहाँ पे मेरे पास ये नेक डिज़ाइन में से बचा हुआ मेरे पास राउंड नेक में से बचा हुआ एक पीस है बुकरम का और इसी को मैंने अपनी स्लीव के कफ बनाने में यूज़ करना है अब देखिए सबसे पहले मैं आपको मेज़र बता देती हूँ अगर आपने 18 इंच की स्लीव रेडी रखनी है तो आपने इसको साढ़े पंद्रह इंच कटिंग करना है क्योंकि दो इंच का हमारा कफ का डिज़ाइन आ गया आगे है आगे साइड ठीक है अब देखिए इसकी मार्किंग मैं आपको बताती हूँ ये जो स्लीव आपकी स्लीव की मोहरी होगी आगे से यानी कि साढ़े सात इंच है ये पंद्रह इंच है पूरी आगे से यानी कि डबल करके साढ़े सात इंच है और ये मेरी बुकरम का पीस जो है वो भी साढ़े सात इंच है अब यहाँ से मैं इसको दो दो इंच पे मार्क कर लूँगी पूरी बुकरम पे आप चाहे तो पेस्टिंग पेपर भी ले सकते हो फीज पेपर जिसको बोलते हैं अब देखिए दो दो इंच पे मार्क करके मैंने इसको यहाँ से कटिंग कर देना है और ये मेरे पास डबल आ जाएंगे दो पीस आ जाएंगे इसको मैं सेंटर में से भी कट कर दूँगी मेरे कफ के दो पीस आ गए हैं मेरे पास ये देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से भी मैं इसको आगे आगे से थोड़ा सा ट्रिम कर दूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा राउंड शेप में था क्योंकि राउंड नेक पे से बचा हुआ ये हमारा पीस था अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक लिया है आप चाहे तो मैचिंग के फैब्रिक के साथ भी बना सकते हो या फिर कंट्रास्ट फैब्रिक के साथ भी बना सकते हो अब इसको इस तरह से सेट करके मैंने डबल कर लेना है इसको यानी कि ये एक स्लीव का हमारा पैटर्न जो है आ जाएगा अब बुकरम को ऊपर रख के आधा आधा इंच आगे पीछे से दोनों साइड से आपने ज्यादा काटना है देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लेना है अब इसको मैं सेंटर में से कट कर दूंगी यहाँ से देखिए साइड में से कट करूंगी सेंटर में से नहीं कट करूंगी ठीक है फ्रेंड्स ये देखिए क्योंकि ये मेरा डबल कपड़ा था अब इसको मैं ऐसे डबल करूंगी और अपनी बुकरम का पीस इसके ऊपर रखूंगी अब देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से सेट करके इधर से यहाँ से हमने एक पैर के मार्जिन की, की सिलाई लगानी है यानी कि एक फुट और सिंगल फुट होता है ना जो हमारा उसके हिसाब से सिर्फ एक पॉइंट के मार्जिन के हिसाब से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है पूरे में इस तरह से और ये सिलाई आपने स्क्वेयर में ही इसी तरह से लगानी है इसको आपने कोई भी राउंड शेप नहीं देनी है अपने कफ को ये देखिए फ्रेंड्स अब दूसरे पीस के ऊपर भी मैं अपनी बुकरम को रख के और ध्यान रहे जिधर इसका फेस है उधर ही हमने इसका फेस बनाना है यानी कि जो हमने एक पैर की सिलाई लगाई है उधर ही सिलाई आपकी बिल्कुल सामने होनी चाहिए इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है अब यहाँ पे भी मैं सेम सिलाई लगा लूँगी ये देखिए फ्रेंड्स ये दोनों की सिलाइयाँ सेम आ गई हैं अब हमें इसको ऊपर से थोड़ा सा कट कर देना है इस तरह से साइड में से भी मैं इसको यहाँ से हमें कट करना है ऊपर क्योंकि हमें फोल्डिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर हम कट करेंगे तो इसको भी हम दूसरे पीस को भी इसी तरह से कट कर लेंगे ये देखिए आगे से थोड़ा सा हमने कट किया जहाँ पे हमारी बुक्रम की सिलाई लगाई थी वहाँ से हमने थोड़ा सा कट किया अब यहाँ कोना सा इसका निकाल देना है बड़ी ही फिनिशिंग के साथ किसी चीज़ की हेल्प के साथ आपने इसका कोना बाहर की तरफ निकालना है और अच्छे से इसको सेट करते हुए यहाँ पे प्रेस कर लेनी है दोनों पैटर्न के ऊपर आपने प्रेस करनी है ये देखिए इसकी नोक अच्छी तरह से निकालनी है और यहाँ पे हम प्रेस कर लेते हैं प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पे एक पैर के ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है फिनिशिंग की सिलाई होगी ये हमारी और ये बारीक बखे से ही लगानी है क्योंकि ये हमारी शेप की सिलाई है ये देखिए दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूंगी और ये मैंने सिलाई कर ली है आप देखिए हमें क्या करना है दोनों को इक्वल देखना है आपने दोनों इक्वल हैं अब इसको अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे आपने जहाँ पर आपकी बुकरम होगी उसके ऊपर कपड़ा सेट करके आपने चौक के साथ निशान बनाना है क्योंकि इससे आपको पता चलता रहेगा अब उसी को दूसरे को भी सामने रख के आपने अच्छी तरह से यहाँ पे चौक के साथ निशान बना लेना है क्योंकि इसको हम अपने स्लीप पे अटैच करने वाले हैं अब देखिए ये दोनों हमारे हो गए अब स्लीप के सेंटर में भी हमने राइट साइड अपना चौक के साथ मार्क लगाना है अब दोनों पीस को हम ऊपर रखेंगे इस तरह से और ये बंद वाली साइड है हमारे कफ की आगे की साइड जो फिनिशिंग वाली साइड है अब इन दोनों को इस तरह से आमने सामने रखते हुए यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है ये जो सिलाई आपने लगानी है जहाँ पर हमारी चौक के साथ की मार्किंग है बिल्कुल उसके आगे लगानी है यानी कि बुकरम के ऊपर आपकी थोड़ी सी सिलाई चढ़नी चाहिए और फिनिशिंग से आपने सिलाई लगानी है बिल्कुल इसके सामने ही रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है और ये दोनों ऊपर की साइड जो है कफ हमारे ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए इनका जो मेजरमेंट है ये देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम इसके यहाँ सेंटर में इंटरलॉक कर लेंगे और इसको दबाव की सिलाई लगा देंगे ये देखिए मैंने इंटरलॉक कर ली है अब बिल्कुल दूसरी तरफ करते हुए यहाँ पे आपने दबाव की सिलाई लगानी है और ये भी आपने छोटे बके के साथ ही लगानी है फ्रेंड्स ये भी हमारी फिनिशिंग की सिलाई होगी और देखिए इन इस स्लीव को आप दो हालातों में बना सकते हो जब तो आपके पास स्लीव की लेंथ कम हो या फिर अपने अपनी स्लीव में डिज़ाइन डालना हो सिंपल सा और देखिए ये मेरा कफ़ बल के ऊपर लग के बिल्कुल रेडी है अब इसके सेंटर में हम बटन्स लगा लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स मैं बटन्स रख के दिखाती हूँ आपको इसकी लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आएगी जब आप इसको पहनोगे ये देखिए आप चाहे तो एक बटन भी सिंगल बटन भी लगा सकते हो यहाँ पे मैं तीन बटन लगाऊंगी इसके ऊपर इस तरह से और देखिए कितना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन हमारे पास स्लीव का बन के रेडी है आप चाहे तो कंट्रास्ट भी बना सकते हो आपको या फिर सिंगल ही बना सकते हो सिंगल कपड़े से अब देखिए इसके सेंटर में से करके हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है ये देखिए इसको सेंटर में से बिल्कुल सेंटर में से रखना है आपने अगर आपने इधर उधर रख लिया तो आपका ये कफ़ जो है इधर उधर हो जाएगा बिल्कुल कफ़ को सेंटर में से रखते हुए ये मैंने अपनी स्लीव की सिलाई uh, लगा ली है और देखिए पहनने के बाद कितनी ब्यूटीफुल लग रही है इसकी लुक अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा फ्रेंड्स और आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो वहाँ पर भी मैं अपने डिज़ाइन के अच्छे अच्छी पिक्स और वीडियोस डालती रहती हूँ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग